लोगों ने लास्ट क्लास में 2.6 के असेंडिंग डिसेंडिंग सक्सेसर प्रेडिक्शन के बारे में पढ़ा था। तो जो असेंडिंग डिसेंडिंग और इसके सक्सेसर प्रेडिक्शन हमने पढ़े थे, उसके अलावा जो इसके लास्ट के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे कहा था उनको मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उनको हम लोग देखेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने को दूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं अभी समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, राइट एनी 5-4 डिजिट नंबर्स यूजिंग 7320 द अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये 4 डिजिट से नंबर आपको दे रखे हैं, 7, 3, 2 और 0, इनका यूज़ करके आपको कोई भी 4 डिजिट्स बनानी है, ठीक है। और 4 डिजिट्स बनाने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो, सबसे पहले डिजिट बना दी 2073, 3 डिजिट्स आ रही हैं। इसमें ये ध्यान रखना कि आप कभी भी कोई डिजिट इस तरीके से नहीं बनाओगे कि 0273, तो ये 4 डिजिट डिजिट नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, 3 डिजिट की डिजिट हो जाएगी। क्योंकि जीरो जब स्टार्टिंग वैल्यू में आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट अगर ये यहीं बिटवीन में आ जाएगा तो इसकी प्रॉपर वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए 4 डिजिट को यूज़ करते समय कभी भी स्टार्टिंग में ज़ीरो मत लगाना। अब देखो, फर्स्ट डिजिट बनाई 2073, सेकेंड 2037, थर्ड 2370 एंड फोर्थ 2307 एंड लास्ट 3072। इस तरीके से मैंने ये फोर डिजिट नंबर्स आपके सामने अरेंज कर दिए। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू फॉर्म को रीड करते हैं। अगर हमारी प्लेस वैल्यू फॉर्म हमको ईजिली आती है तो हम किसी भी डिजिट को रीड कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे हमारी जो फर्स्ट डिजिट है सबकी, पहले तो ये देखो 4 डिजिट हैं तो सारी 1000 प्लेस की हैं, तो प्लेस फॉर्म तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद सेकंड, अब हम देखते हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़ी यानी स्मॉल टू लार्ज। तो देखो सबसे पहले सबकी डिजिट फर्स्ट डिजिट सेम है, तो 1000 लास्ट डिजिट है 3, इसको हम तो वैसे ही लास्ट मिलेंगे, सबसे लार्ज डिजिट हो गई। अब इसके बाद सेकंड डिजिट है 0 0, इन दोनों में कॉमन है, इनमें 3 और 3 है, तो ये भी बड़ी हो गई, इन दोनों को भी छोड़ेंगे। ये 0 0 के बाद यहाँ 7 है या 3 है, तो फर्स्ट डिजिट कौन सी आ जाएगी, 3, तो 2037 यानी 2037। अब 3 के बाद नेक्स्ट इज 7, तो 2073। अब इसके बाद 0 की डिजिट कंप्लीट हो गई, अब हमारे पास 2 डिजिट 2 3, जो कि 100 प्लेस और 1000 प्लेस पे है, तो हम रहेंगे अब टेंस प्लेस पर। तो टेंस प्लेस पर एक डिजिट है 7, दूसरी डिजिट है 0, तो हमें छोटी डिजिट लेनी है, तो हम कौन सी वाली पहले ले लेंगे, 0, और उसके बाद टेंस प्लेस की जो टेंस प्लेस पर वैल्यू है 7, उसको ले लेंगे। अब लास्ट में हमारे पास 1 डिजिट बचती है, जो इनमें सबसे बड़ी है, वो है 3072। तो इस तरीके से हमारी देखो असेंडिंग ऑर्डर में 4 डिजिट अरेंज हो गई। जैसे फर्स्ट हो गई 2037, सेकेंड हो गई 2073, थर्ड हो गई 2307 एंड फोर्थ हो गई 2370 एंड लास्ट डिजिट यानी फिफ्थ डिजिट 3072। अब इसी तरीके से आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दे रखे हैं। 8 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसी तरीके से आपको एनी फाइव फोर डिजिट नंबर्स लेने हैं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 7793। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में किया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे गिवन था, आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट एनी 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स, जो डिजिट्स कौन कौन सी हैं 1257 एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को 4-5 डिजिट्स बनाई है इन 4 डिजिट्स के द्वारा और उनको असेंडिंग ऑर्डर किया है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 में असेंडिंग ऑर्डर ही करना है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर ही करना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, यानी 7 में हो गया असेंडिंग ऑर्डर, 8 में हो गया आपका डिसेंडिंग और 9 में भी क्या हो गया आपका असेंडिंग। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा आपकी लैंग्वेज उसमें चेंज है और थोड़ा अलग है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लासेस में कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर किस तरीके से देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो, द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो
जो सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, तो पहले ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, 9999, ठीक है बेटा। अब उसमें क्या कहा है, उसका सक्सेसर, तो हम उसका सक्सेसर निकालेंगे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट का, तो उसमें वन प्लस कर देंगे, सक्सेसर में क्या करते हैं वन प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10,000। अब उसने क्वेश्चन किया, ये जो 10,000 है ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर हो गया। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों फॉर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या है 1000, और हमारा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर में उसका सक्सेसर क्या हो रहा है 10,000, यानी कि स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। समझ में आ गया, यानी कि इस नंबर को और इस नंबर को हमें कंपेयर करके बताना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है, एक जैसी वैल्यू है या नहीं है, तो नहीं है। तो ये मैंने पूरा आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है, आपका आंसर केवल क्या होगा, नो, और उसका रीज़न आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 मैं आपके लिए सॉल्व ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप इस पूरे को समझने के लिए नोट कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगर केवल आंसर लिखना है तो केवल आप ये लिखोगे, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको खुद सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है, और सबमिट में क्वेश्चन नंबर 7 से 10 सारे क्वेश्चन सबमिट करने हैं, केवल 8 और 9 जो सॉल्व करने हैं उन्हीं को सबमिट नहीं करना है। और फिर भी अगर किसी को कोई इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट हो या जो मैंने समझाया है उनमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।